वन वेलकम टू माय चैनल आई एम सहानी आज मैं आपको कराऊंगी पोइटिक डिवाइजेस क्लास इलेवन इंग्लिश की पोइम अ फोटोग्राफ की अगर आपको पोएम पढ़नी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आई टैप में गिवन है वहां से जाकर आप पोएम पढ़ सकते हो और अगर पोएम के एम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखना है तो उनकी एक प्लेलिस्ट गिवन है मैंने हर पोएम के हर चैप्टर के एम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं देर इज अ फुल सीरीज ऑन माई चैनल वहां से जाके आप देख सकते हो तो आज हम देखने वाले हैं पोइटिक डिवाइजेस देखो पोएटक डिवाइजेज एम एक्सट्रैक्ट में और कहीं भी बहुत काम आ सकते हैं हमारे पोएम्स में चैप्टर्स में भी क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि इस पोएटिक डिवाइस को समझाओ तो चलो पढ़ते हैं फोटोग्राफ के पोइटिक डिवाइसेस ठीक है तो पहला पोइटिक डिवाइस में जो यूज हुआ है वो है एल्यूजन एल्यूजन क्या है पहले पढ़ते हैं क्या होता है एलियूजन इज मैंशनिंग समथिंग इन ब्रीफ किसी भी चीज को एक ब्रीफ में मैंशन कर देना इट कुड भी एनीथिंग कोई पर्सन हो सकता है वो कोई लोकेशन हो सकती है या कोई चीज हो सकती है जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज को आपने उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, एक वर्ड दे दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है इट इज समथिंग दैट इट्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और सीन द राइटर वॉन्ट्स टू पोट्री एक वर्ड को यूज करके आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाती है अच्छा ठीक है इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है उसको हम अल्यूजन कहते हैं अब हमारी इस पोएम में अल्यूजन

फोटो फ्रेम टाइप से तो एक कार्डबोर्ड वर्ड से आपको पूरा दिमाग में पिक्चर चल गई कि अच्छा कार्डबोर्ड हम भी ऐसी करते हैं ना फोटो फ्रेम नहीं होते घर पे वो प्लास्टिक वाले या स्टील वाले तो हम भी कार्डबोर्ड का फ्रेम डी करते हैं खुद बना लेते हैं तो पहले ज़माने में भी और कई बार ऐसा होता है दैट आप कार्डबोर्ड को पीस को कट करते हो उस पर फोटो लगाते हो कि वो परमानेंट रहे या वो सिक्योर रहे तो उसके लिए हम ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ कार्डबोर्ड क्या डिपेक्ट कर रहा है कि उसको जो सिक्योर करने के लिए लगाया गया है दूसरा कार्डबोर्ड एक बहुत बड़ा ल्यूजन क्रिएट करता है वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा देता है दैट कार्डबोर्ड का फ्रेम बनाओगे ना वो बहुत समय तक नहीं चलेगा वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है और वैसे ही उन्होंने पोएम की पहली लाइन में ही हमें अंदेशा दे दिया दैट जो है ह्यूमन लाइफ वो भी जो है परमानेंट नहीं होती वो पहली लाइन लिखते हैं द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज दट थ्री गर्ल्स कर्जन वेंट पैडलिंग ऐसा कुछ करके तो उन्होंने ये बताया दैट जैसे कार्डबोर्ड होता है ना कार्डबोर्ड का फ्रेम आप कहोगे कार्डबोर्ड का फ्रेम कितने समय चल जाएगा कुछ समय बाद चेंज करना पड़ेगा येस वैसे ही वो हमें अंदाजा दे रही हैं अल्यूजन क्रिएट कर रही है दैट जो ह्यूमन लाइफ है वो भी परमानेंट नहीं होती है उनकी मदर जब उन्होंने ये पोएम लिखी है उनके साथ नहीं है ऑलमोस्ट बारह साल हो चुके हैं उनकी डेथ को और वो बहुत अकेलापन और खालीपन फील करती है अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं उन्होंने कार्डबोर्ड लिखते ही पहली लाइन से ही दिखा दिया कि क्रिएट कर दिया है दैट ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं होती है तो द कार्डबोर्ड लैक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी हिंडस एट द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ठीक है तो एक तो कार्डबोर्ड का मतलब ही ये है कि वो उसको फोटोग्राफ कहने और दूसरा कार्डबोर्ड का एक डीपर मीनिंग है यहाँ पे कि कार्डबोर्ड परमानेंट नहीं होता है वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी परमानेंट नहीं है चलो अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है गाइस जब भी हम किसी जो है आप समझो कि नाउन के पीछे एडजेक्टिव लगा देते हैं ना उसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट तो यहाँ पे नाउन क्या है फीट है और उसके पीछे हम... कोई क्वालिटी दे दी जाती है ठीक है एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी यूज़ करके जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर डे समझ लो ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक और एग्जाम्पल देती हूँ डे दे. अब डे तो डे होता है अगर मैंने डे के पीछे लिख दिया वंडरफुल डे तो ये बन गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि दिन तो दिन है दिन दो तो के ऐसा भी हो सकता है अब मैंने उसको पीछे क्वालिटी दे दी कि वंडरफुल डे था दिन बहुत सुहाना था दिन बहुत अच्छा था तो ये बन गया ट्रांसफर्ड एपिथेट जब आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो नाउन के पीछे कोई क्वालिटीज अगर आप लगा दो दैट तो जो उसको डिफाइन करो अब पैर तो पैर है फीट है लॉन्ग फीट टॉल फीट स्मॉल फीट शॉर्ट फीट कुछ भी हो सकता है यहां उन्होंने लगाया टेरिबली ट्रांसियन फीट यानी कि नॉन परमानेंट फीट और नॉन परमानेंट फीट मतलब क्या हुआ तो वो फीट को एक क्वालिटी दे रही है और वह यह बता रही है जो, जो समुद्र था उस बीच में वह था आज भी वैसा ही है बट जो इंसानी दुनिया है उसमें हम लोग अमर नहीं है वी कैन डाई एनी टाइम तो हमारी जो पैर है वो पर्मांट नहीं है वो वह है ट्रांजियंट मतलब टेम्परेरी तो वही हो गया ट्रांसफर डेफिथेट ठीक है तो टेरेबली ट्रांजियट फीट में एक तो सबसे पहले यूज हुआ है क्या आपका ये ट्रांसफर एपिथेट अब इसमें एक और पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसे कहते हैं एलिट्रेशन एलिट्रेशन में क्या होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड या फिर सेम लेटर से शुरू होते हुए वर्ड्स जैसे कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ मैंने लिखा मिकी माउस बहुत फेमस कार्टून करेक्टर है ये एक एलिट्रेशन है क्योंकि ये एम से शुरू हो रहा है ये भी एम से और दोनों एम साउंड है ठीक है और सेकेंडली अगर साउंड को छोड़ोगगा इस ये एम से शुरू ये एम से शुरू बन गया ये एलिट्रेशन तो वैसे ही टेरेबिली ट्रांजियन फीट में एलिट्रेशन भी है रेपिटेशन ऑफ साउंड टी और एक और में एलिट्रेशन है इस वाली पोएम में आपके एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेज जो लास्ट लाइन में यूज़ हुई है साइलेंस Silence, साइलेंसेस ठीक है तो समझ में आ गया एस साउंड रिपीट हो गया इसमें नेक्स्ट आता है आपका ऑक्जीमोरॉन उसमें क्या यूज हुआ है लेबर्ड इज ऑफ लॉस थर्ड पोएटिक डिवाइस हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस हुआ ऑक्जीमोरॉन ऑक्जीमोरॉन में दो अपोजिट चीजों को एक साथ लिखा जाता है जैसे कि मैंने लिखा वेकिंग डेड भाई वेकिंग मतलब उठा मतलब हुआ जिंदा इंसान सामने आपका चलता हुआ और डेड मतलब मरा हुआ तो ये मतलब ये क्या हुआ ये तो दो कॉन्ट्रडिक्ट्री आइडियाज़ को आपने इकट्ठा कर दिया है तो यही चीज़ होती है ऑक्जीमोरॉन की वेकिंग मतलब उट, जो है ज़िंदा है इंसान ठीक है जिंदा इंसान ही तो सुबह उठ के चल रहा होगा वेकअप होगा और यहाँ मैंने वेकिंग डेड लिख दिया किसी को तो ये हो गया एक ऑक्जीमोरॉन अब यहाँ पर ऑक्जीमोरॉन दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को इकट्ठे कैसे लिखा है लेबर्ड ईज ऑफ लॉ लेबर्ड मतलब बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा ना परेशानी और बहुत परिश्रम करना लेबर्ड ठीक है और ईज़ मतलब आसानी से तो ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट्री चीज़ें एक तरफ आप कह रहे हो आसानी से एक तरफ आप कह रहे हो मेहनत परिश्रम करके तो ये दो कॉन्ट्रडिक्ट्री आइडियाज़ को इकट्ठा कराया गया है तो यहाँ पे है ऑक्सीमर और उन्होंने लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस लिखा था यानी कि बहुत मुश्किल भी है जो लॉस उनका था उनके मदर को उन्होंने खोया था और उनकी जो है और ऐसा होता भी है तो लेबर्ड ईज़ और उनकी मदर ने क्या खोया था अपना बचपन खोया था तो इस चीज़ को उन्होंने डिफ़ाइन करा था लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस ठीक है तो चलो अगला देखते हैं अगला है हमारा परसोनिफिकेशन जो उन्होंने यूज़ करा है साइलेंस सराउंडस अस ठीक है तो साइलेंस जो है गाइज एक क्या है साइलेंस तो साइलेंस है ना उन्होंने उसे ऐसा एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया है ह्यूमन सराउंड करते हैं एक दूसरे को ठीक है तो उन्होंने इसलिए साइलेंस को एक ऐसी क्वालिटी दिया है तो परसोनीफिकेशन है जैसे मैंने लिख दिया दैट आई ऑफ द अर्थ तो ये क्या पर्सोनिफाई कर दिया हमने अर्थ को अर्थ की कोई आंखें नहीं होती है जस्ट हमने अर्थ को एक ह्यूमन लाइक फीचर दिया है ट्रीज़ आर रनिंग मैंने कह दिया तो भाई ट्रिपेड भागते थोड़ी है तो मैंने ट्रीज को पर्सोनिफाई कर दिया ठीक है तो साइलेंस सराउंडर्स में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है द सिचुएशन हैज़ बीन गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी अब ये एक सिचुएशन है शांति उन्हना एक सिचुएशन है हमने इसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी कि वो आके मुझे सराउंड करके मेरे आसपास पास रह रही है तो रहेंगे तो ह्यूमन्स ना ठीक है समझ गए आप तो चलो अगला पढ़ते हैं और एलिट्रेशन बहुत सारी यूज़ हुई है इसके अंदर माई मदर्स हैंड स्टूड स्माइल स्टूड स्टिल टू स्माइल एग्जाम्पल ये एम सी क्यू में एक्सट्रैक्ट में भरे पड़े होंगे या आपके ये कि पहचानो कॉल सपोटिक डिवाइस है टेरेबली ट्रांसजेंड में साइलेंट साइलेंसेज में एलिट्रेशन यूज हुआ है सेम साउंड सेम लेटर वाला परसोनिफिकेशन में द कार्डबोर्ड शोज में हाउ इट वॉज पे बी परसोनिफिकेशन है कार्डबोर्ड एक नॉन लिविंग थिंग है वो तो मैं कैसे दिखाएगा आप उसे देखोगे ना तो कार्डबोर्ड को जैसे मैंने कहा द टीचर्स शोज मी द प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट शोज हिज मार्क्स हमने कह दिया भैया अब इंसान कोई चीज़ किसी को दिखाएगा ना कार्डबोर्ड कैसे दिखाएगा तो कार्डबोर्ड को भी ह्यूमन लाइक फीचर्स दिए इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट में वॉज देयर टेरेबली ट्रांजेंड फिट आपको पता है ऑक्सीमोन हो गया लेबर्ड इज लेबर्ड मतलब परिश्रम करना इज मतलब आसानी से तो दो अपोजिट्स को इकट्ठे आइडियाज को इकट्ठा करा है तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट पोएटेक डिवाइजेज ऑफ पोएम फोटोग्राफ तो आपको टेंशन लेनी नहीं है मैं हर पोएम के पोटेक डिवाइजे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वीडियोस क्रिएट कर चुकी हूँ चैनल पे सो यू कैन गो एंड चेक इट मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे बाय टेकअर एंड बेस्ट ऑफ लक